साप्ताहिक बाजार पर रोक से मंडराया महंगाई बढ़ने का खतरा, सप्लाई पर रोक से बिचौलियों का दखल बढ़ने की आशंका। घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनियों का कारोबार बढ़ाएगा कोरोना, वर्क फ्रॉम होम के चलते डेटा और कॉल्स पर खर्च बढ़ने का अनुमान। कोरोना से निपटने के लिए अपने 45,000 कर्मचारियों को 6 महीने का बोनस देगा फेसबुक, 30 देशों के छोटे कारोबारियों को भी मदद। कोरोना का असर घटाने के उपाय तलाश रहे हैं बैंक, कर्ज में सहूलियत देने और सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स को रियायत देने पर विचार। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए $2 अरब अतिरिक्त देने का लिया है फैसला, अब तक कुल $14 अरब की मदद। बाजार की गिरावट में कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं प्रमोटर्स, टाटा ग्रुप समेत 197 कंपनियों के प्रमोटर्स ने बीते एक महीने में बढ़ाई हिस्सेदारी। ऑटोमोबाइल डीलर्स की संस्था FADA ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, BS4 वाहनों की बिक्री मई के आखिर तक जारी रखने की गुजारिश की। कोरोना वायरस के चलते गो एयर ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15 अप्रैल तक लगाई रोक। मूडीज के बाद S&P ने भी घटाया भारत की विकास दर का अनुमान, 2020 में 5.2% लगाया GDP ग्रोथ रेट का अनुमान। महेंद्र सिंह धोनी ने किया स्टार्टअप खाता बुक में निवेश, कंपनी में निवेशक के साथ ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका भी निभाएंगे महेंद्र सिंह धोनी।